आज हम नमकीन काजू बना रहे हैं, उसके लिए हमने मैदा का डो तैयार कर लिया। ऐसे मटर का नॉर्मल लगता है वैसा, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम डो बनाएंगे। और इसमें से हम एक लोई तोड़ेंगे, ऐसा ढक्कन हो या कटर हो, मैं ढक्कन से काटूंगी। देखिए बिल्कुल काजू की शेप आई है, ऐसे काटूंगी। सारे काजू काट के तैयार कर लिए, अब उनको हम सेकेंगे। मैदा की नमकीन काजू बना रहे हैं, उसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। ये थोड़ी सी क्रश करी है कसूरी मेथी है, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सफेद नमक, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये पुदीने का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, इसको मिला के मट्टियों पे गरम जब सेकेंगे उस पर लगा देंगे। इसी के लिए मट्टियों पे गरम गरम पर लगेगा, इसको अच्छे से मिला देंगे। ये मेरा मसाला तैयार हो गया है। ये मैं ऑयल गरम कर लिया, इसमें ये अपने काजू डालेंगे। आँच हम मीडियम रखेंगे और ये मीडियम गरम रखेंगे, मतलब तेज आँच के काजू एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे। हमारे काजू चिप रहे हैं, हमारे के गोल्डन होने तक सेकेंगे। थोड़े से और इसको थोड़ा सा और गोल्डन कलर आ जाएंगे तो ये हमें निकाल लेंगे। थोड़े से और सीखे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, किस्ती बने इनकी, कितनी किस्ती आवाज आ रही है एकदम से। दूसरा बैच डालेंगे हम, के तैयार है मैदा के काजू। अब इसमें हम ये गरम गरम है तो इसमें हम मसाला मिलाएंगे, जो हमने मसाला बनाया था वो हम जिस हिसाब से खाओ आप उस हिसाब से मिलाओ, तेज खाओ तो तेज। गरम गरम मछली है ना,
एकदम से इसमें चिपक जाएगा ये गरम में। इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। कितना अच्छा कलर आ गया इसका, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी बन के तैयार है मसाला मिर्ची, एकदम से टेस्टी और लाजवाब। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।